हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज सुबह का सारा काम हो गया है। जीत ऑफिस जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट करके गए हैं, आके लंच करेंगे। थोड़ा सा लेट होगा उनको आने में, बट आके लंच करेंगे। हनी बनी अपना ब्रेकफास्ट करके क्लास ख़त्म करके खेल रहे हैं अभी। तो अभी लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ। घर में ज़्यादा कुछ सब्जी नहीं है, थोड़े से मशरूम, थोड़े से ब्रोकली पड़ा था, तो वही मैं काट रही हूँ। आज मंडे है तो हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो वेज का एक सिंपल सा कुछ रेसिपी बनाऊंगी। एंड बैगन एक पड़ा था, तो बैगन को गोल गोल देख के कुछ कुछ एक उसका एक बना लूँगी। तो सिंपल सा ही लंच बनेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंपल खाना खाने का मन करता है, दाल चावल, नॉर्मल सी भाजी, इस टाइप का खाने का मन करता है, तो बस वही बना रही हूँ। ब्रोकली को यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करके इसको हल्का सा मैं बॉईल कर लूँगी, क्योंकि यही मशरूम को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ब्रोकली को थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे मसूर दाल लिया है मैंने, मसूर का दाल बनाऊँगी। उसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, हल्दी नमक ऐड करके उसमें सीटी लगा दूँगी। मैं नॉर्मली जब दाल बॉईल करती हूँ उसी टाइम पे टमाटर ऐड कर देती हूँ। बाद में मतलब तड़का, बहुत सिंपल तड़का लगाती हूँ, तो इसीलिए पहले से ही टमाटर ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ब्रोकली बॉईल हो गया है, तो अभी उसको मैं भाजी बना लूँगी। यहाँ पे एक ही बैगन था मेरे पास, तो उसको मैं से स्लाइस करके काट रही हूँ। इस टाइप का बैगन जो अभी मैं बनाऊँगी वो हनी बनी को, मुझे, जीत को, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिल्कुल ट्राई करना अगर आपने कभी बनाया नहीं है तो। यहाँ पे वो स्लाइस बैगन ले लिए, उसमें हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करें थोड़ा हल्का सा खट्टेपन के लिए। एंड यहाँ पे चावल का आटा, थोड़ा सा कुरकुरापन आएगा इसमें, यानी कि राइस फ्लो थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। एंड इसको मैं सैलो फ्राई करूँगी। यहाँ पे पैन में मैंने बटर ले लिया है, या अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, बट ये वाली जो रेसिपी है ना, ये ऑयल के साथ में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि बटर लें या घी लें। देन इसमें मैं अनियन को ऐसे क्यूब्स में काट के रखा था वो मैं ऐड करूँ। बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा, बस 20 सेकेंड के आसपास। देन इसमें मशरूम ऐड कर देंगे, एंड जो ब्रोकली हमने बॉईल करके रखा था वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, एंड यहाँ पे ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और कुछ भी मसाला इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना हल्दी पाउडर ना लाल मिर्च का पाउडर। इसमें यह काली मिर्च का पाउडर बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इसको वेज स्टियर फ्राई करके बोला जाता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी इसको खाना होता है इंस्टेंटली बना के गर्मा गर्म खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस हल्का सा इसको 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। यू हैव मेड दिस हाउस? रैबिट, व्हाट रैबिट इज ईटिंग? कैरेट। वेरी गुड। यू मेड दिस हाउस, हु विल लिव हियर? यू वांट टू स्टे हियर इन दिस हाउस? यस। हां, there is no door in this house. Okay. How we will enter? Only one. One help you. How? Where? One will help. How? New door house. Is that a door? Yes. Look, a door is bigger than the house. That is house. Door is bigger than the house. Oh, your rabbit is not eating? Rabbit eating. Eating? Oh! And this. Ghar ghar ke. This dolphin. Yes. This is not a house. This is a dolphin. Yeah, Barna doesn't know anything. गाइस, आ गई हूँ मैं नहा के। काम मैंने आधा आधा करके चली गई थी नहाने के लिए, तो बस दाल में तड़का लगेगा। एंड सोच रही हूँ मिस्टी दही बनाऊँ आज, बहुत पता नहीं बहुत मन कर रहा है मिस्टी दही या कुछ भी मीठा खाने का बनाने का मन कर रहा है। तो मिस्टी दही मैंने लास्ट टाइम जो हमारे पुराने वाले घर में एक बार ट्राई किया था, जो बना नहीं,
बिकॉज ऑफ दिस एसी, क्योंकि वो वाले घर में हमारा एक ही एसी था, एक ही एसी यूनिट, सेंट्रल एसी जो होता है एक ही था, एक ही यूनिट था, तो हमेशा एसी चल, मतलब रात में जब हम सोते थे तो एसी तो चलेगा ही, तो वो किचन हॉल बेडरूम एक ही यूनिट था उसका, तो घर इतना ठंडा रहता था कि वहाँ पे दही जमा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, दो एसी यूनिट है, एक एसी हमारे जो दोनों बेडरूम्स का है एंड एक एसी ये हॉल किचन एंड स्टोर रूम बाथरूम इस सब का है। तो ये वाला हॉल वाला जो एसी है वो ज़्यादा चलता नहीं है, कभी कभी गर्मी लगे तो हम लोग चलाते हैं वरना नहीं। तो ये वाला एसी रात को नहीं चलता है, तो मैंने सोचा कि इसमें मतलब ट्राई करते, अभी बनाती हूँ, किचन में रख दूँगी, देखूँगी अगर हो सके, मतलब एसी तो चलेगा नहीं तो गर्मी, थोड़ा सा गर्मी होगा तो शायद दही जम जाए। यस बेबी, चलो इनको भूख लगी है, मैं पहले दाल में तड़का लगा देती हूँ एंड जो मिस्टी दही का जो है, यस ओके, मिस्टी दही का जो प्रिपरेशन है वो सब मैं कर लेती हूँ, बाद में उसको जमाऊंगी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। फिलहाल मैं दाल में तड़का लगा के मिस्टी दही का प्रिपरेशन करके इनको पहले खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। की दाल में मैं बहुत सिंपल तड़का लगाती हूँ, ऑयल लिया है, इसमें ऐड कर रही हूँ पंचफूरन, हींग, कड़ी पत्ते एंड खूब सारा गार्लिक लहसुन। गार्लिक का तड़का इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें धनिया पत्ता भी बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे पास अभी है नहीं, तो सिंपल सा तड़का बस, एंड हमारा मसूर दाल बन के रेडी है। साथ में अभी थोड़े से बैगन भी फ्राई कर दूंगी हनी बनी के लिए। आज का हमारा लंच, ये है मेरा प्लेट एंड जो सब्जी एंड बैगन दो, एंड ये है हनी बनी का साथ में दही। तो दही तो हनी बनी की, मतलब हनी बनी का क्या, मेरा भी दही के बगैर नहीं चलता है। अगर आपकी दही ठंडी है, मतलब फ्रिज से निकाला है या रात को बच्चे मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें वार्म वाटर मिला के लीजिए तो कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा हनी बनी के दही में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके फिर उसको मिक्स करके देती हूँ। तो चलिए अभी हम लोग हमारा लंच एंजॉय करते हैं। जी थोड़े से लेट आएंगे, तो वो आएंगे तो फिर उनके लिए खाना निकाल दूंगी। सो अभी मैं मिस्टी दही बनाने की तैयारी करूंगी, उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़े से चीनी लिए, करीब 2 स्पून के आसपास चीनी लिया है, एंड यहाँ पे पानी मैं ऐड करूंगी, करीब 2 से 3 स्पून पानी ऐड करूंगी। अच्छे से चीनी को उसमें डिसॉल्व होने के लिए छोड़ दूंगी एंड पूरा ये जो कैरमलाइज हो जाएगा, चीनी का कलर पूरा चेंज हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तब तक हम इसको कुक करेंगे, करीब 5 से 7 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो झाग है उसका कलर चेंज होने लग गया है। तो जैसे ये ब्राउन कलर का हो जाए, इसमें मैं 1/2 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ, दूध ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो चीनी का जो वो जो लम्स है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसमें अच्छे से डिज़ोल्व होने के बाद ही बाकी का दूध है जो हम लोग वो ऐड करेंगे, जितना भी आपको दही बनाना है उतना आप दूध लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे करीब 1/2 लीटर मिल्क लिया है, वो इसमें ऐड कर दूँगी एंड उसमें चीनी भी और थोड़ा सा ऐड करूँगी, जितना भी आपको मीठा पसंद है उसी हिसाब से आप चीनी ऐड कीजिएगा, एंड अच्छे से इसको बॉयल कर लूँगी, क्योंकि ये मैंने कच्चा मिल्क लिया है, इसको मैं अच्छे से बॉयल करूँगी 3 से 4 मिनट तक। अगर आपने पका हुआ मिल्क लिया है तो फिर आप ज़्यादा टाइम इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसको अच्छे से बॉयल करूँगी, देन इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। देन एक बर्तन में मैंने यहाँ पे दही लिया है करीब 2 चम्मच, उसको अच्छे से फेंट दूँगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे, एंड थोड़ा थोड़ा करके जो हमने मिल्क बनाया था, मिस्टी दही का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मिल्क जो है वो हल्का सा वार्म है अभी, तो अभी धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। तो नॉर्मली इसी प्रोसेस से ही मिस्टी दही बनता है, बट हमारे घर में हमेशा ठंडा रहता है, इस वजह से दही जमता नहीं, हम हमेशा दही जो है वो बाहर से मंगवा के खाते हैं। एंड यहाँ पे दही का प्राइस दूध का प्राइस सेम ही रहता है, तो कोई मतलब नहीं है कि घर में फिर दही ला के जमाओ। तो बस ये हमारा जो मिक्सचर है ये बन के रेडी है।
सो यहाँ पे मेरे पास कुछ कुल्हड़ पड़े हुए थे, काफ़ी सारे कुल्हड़ रखे थे, तो यहाँ पे मैंने चार कुल्हड़, हम चारों के लिए चार कुल्हड़ लिया है। उसमें मैं ये जो मिक्सचर है वो ऐड कर रही हूँ। देन इसको मैं माइक्रोवेव के अंदर रख दूँगी। माइक्रोवेव मतलब चलाऊँगी नहीं माइक्रोवेव, बट उसके अंदर का जो लाइट है वो मैं ऑन करके उसको रख दूँगी, ताकि वो लाइट की वजह से थोड़ा सा गर्माहट ज़्यादा आए, ताकि ये जल्दी जम जाए। उसके ऊपर मैं ऐसे एल्युमिनियम फॉइल लगा रही हूँ। आप चाहे तो कुछ भी पन्नी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो ऐसे माइक्रोवेव के अंदर का लाइट ऑन करके उसके अंदर ये मैं रख दूँगी, और देखते हैं कब तक ये जमता है। मोस्ट ऑफ दी काम हो गया है, बट अभी तक मैंने पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि 8:30 टाइम हो गया है एंड हनी बनी 9:30 तक सो जाएंगे। दोपहर को सोए नहीं थे तो डिनर नहीं बना है कुछ भी, एंड समझ भी नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। ये वेज डेज में ना हनी बनी को वेज में ऐसे खिलाना, छोले राजमा इस टाइप का हो तो वो खा लेते हैं, सब्जियों में ऐसे भाजी टाइप का नहीं खा पाते हैं, वो नहीं खाते हैं वो। तो डोसा बैटर रखा है, सोच रही हूँ बस आलू बॉईल करके आलू चोखा एंड डोसा बना कर उनको दे दूँ, एंड हमारे लिए हम मैं देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी। अभी पहले तो उनका काम ख़त्म करना है, एंड उनको खिला के सुलाने के बाद मुझे पोछा भी लगाना है। एक्चुअली लॉकडाउन में क्या होता था ना कि जीत घर में रहते थे तो काम चलता रहता था, बट बीच बीच में आते रहते थे तो वो पोछा लगा देते थे कभी कभी, हनी बनी को बिठा मतलब उनके साथ में उनको एंगेज रख देते थे। अभी ऑफिस खुल गया है तो ऑफिस जाते हैं, आने के बाद भी ऑफिस का काम, अभी भी वो ऑफिस का काम ही कर रहे हैं। तो सारा जो घर, और आज इतने सारे कपड़े पड़े थे फोल्ड करने के लिए, तो वो सारा काम एक साथ जब आ जाता है ना तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, एंड ऊपर से जो सीरीज़ देखने की आदत लग गई है वो भी एक अजीब है। फिर भी आज मैं सीरीज़ जब देख रही थी तब कपड़े साथ साथ फोल्ड कर रही थी, साथ साथ झाड़ू लगा रही थी, वही काम कर रही थी, स्टिल काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं। तो चलिए फिर पहले, एंड अभी तक जो मिस्टी दही है वो अभी तक जमा नहीं है शायद, क्योंकि मैंने ओपन करके नहीं देखा है, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने उसको एक अलग डब्बे में रखा था, वो तो अभी तक नहीं जमा है। तो उसको जो कुल्लड़ वाला है वो मैंने उसको अभी तक ओपन नहीं किया है, तो देखते हैं कब तक होता है। पहले तो मैं हनी बनी को खिला दूँ, एंड शाम को उन्होंने लस्सी पी थी और कुछ खाया भी नहीं था उन्होंने। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हनी यू कुड सी बॉन यूज़ डूइंग, यस यस रिलैक्स, पुट 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 चिल, नो नॉट हेड आईज,
Put in oven. Oven. Oven is good. I make cake. You're making cake. Wow, it's a beautiful big cake. Okay. Mama, can I put for you cake? Okay. Mama will eat. Oh, so yummy. It's so tasty. Chocolate ice cream. Okay, give me chocolate ice cream. Chocolate ice cream. You want the chocolate ice cream? Yeah. Chocolate ice cream. Okay. Then you eat. This is chocolate ice cream? Okay. I'm done. Is it free or you need money? Need money? No, please. Money. Big paisa ice cream. Take money. Big paisa ice cream. Okay, I want noodles. Can you make noodles for me? Noodles popcorn, yeah. Noodles popcorn. What everything you are giving this only? This is your cake, this is your chocolate. Noodles popcorn. Okay, now close your shop. Honey, you now you want to buy milk? वाला ब्लॉग मैं ऐड करूंगी। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। इवन आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है बट एंड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये मिष्टी दही अभी तक बनने का नाम नहीं ले रही है। मैंने सुबह मतलब 10 बजे से इसको बाहर रखा है ताकि बाहर क्योंकि गर्मी है, अंदर जितना भी एसी बंद रहे कुछ भी हो जाए क्योंकि सेंट्रल एसी है तो चलता है तो ठंडा तो रहता है घर, मतलब घर तो ठंडा ही रहता है तो जमता ही नहीं है। इसी वजह से मैं कभी ट्राई नहीं करती हूँ दही वगैरह बनाना। दही हम लोग खरीद के ले आते हैं तो अभी, बट मैंने इसको चेक किया ये और 1-2 घंटे में हो जाएगा। बाहर रखूँगी ना और 1-2 घंटे में हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने खोला था, मतलब ऐसे पकड़ने से ना ये अब ज़्यादा हिल नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है तो ये आई थिंक 1-2 घंटे में जम जाएगा। होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वाले कल वाले ब्लॉग में इसको दिखाऊंगी काट के कि हाँ ये कैसा हुआ कि नहीं हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। व्हाट एंड बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स वेस्ट बंगाल से हैं, बंगाल से हैं तो जहाँ की मिस्टी दही फेमस है। तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। अगर आपका मतलब ऐसे घर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है तो आप लोग कैसे इसको बनाते हो मुझे कमेंट करके बताना। माइक्रोवेव के अंदर तो रख के मैंने देख लिया, हुआ उसमें भी नहीं हुआ कुछ भी। इट्स नॉट डन बेबी। ये दोनों सुबह से लगे उसको ओपन करो हमें खाना है, कहाँ से खाने के लिए तो उनको हुआ नहीं है। इट विल टेक अनदर 1 आवर देन वी विल ईट। ओके ओके सो गाइस ये जो मिस्टी दही है मैं आपको कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बाय गाइस, हरी बरी से बाय, लुक देयर एंड से बाय, ऊपर बाय, से वेव योर हैंड, वेव योर हैंड, गिव फ्लाइंग किस देयर। बाय गाइस। झूली झूली। नो, इट विल टेक अनदर 1 आवर देन वी विल ओपन इट एंड ईट। दिस इज मिस्टी दही। ओके, अनदर 1 आवर, ओके, वी विल ईट।